सीआईटी एन सीईआरटी द्वारा प्रस्तुत है कक्षा आठ की गणित की पाठ्य पुस्तक का ध्वनि पाठ ये है अध्याय बारह घातांक और घात पृष्ठ संख्या दो सौ पांच प्रश्नावली बारह दशमलव एक एक मान ज्ञात कीजिए एक तीन की घात घटा दो दो घटाचार की घात घटा दो तीन एक बटा दो की घात घटा पांच दो सरल कीजिए और उत्तर को धनात्मक घातांक के रूप में व्यक्त कीजिए एक घटाचार की घात पांच भाग घटाचार की घात आठ दो कोष्ठक में एक बटा दो की घात तीन की घात दो तीन घटा तीन की घात चार गुणा पांच बटा तीन की घात चार चार कोष्ठक में तीन की घात घटा सात भाग तीन की घात घटा दस गुणा तीन की घात घटा पांच पांच दो की घात घटा तीन गुणा घटा सात की घात घटा तीन मान ज्ञात कीजिए एक कोष्ठक में तीन की घात शून्य जमा चार की घात घटा एक गुणा दो की घात दो, दो कोष्ठक में दो की घात घटा एक गुणा चार की घात घटा एक भाग दो की घात घटा दो तीन एक बटा दो की घात घटा दो जमा एक बटा तीन की घात घटा दो जमा एक बटा चार की घात घटा दो चार कोष्ठक में तीन की घात घटा एक जमा चार की घात घटा एक जमा पांच की घात घटा एक की घात शून्य पांच घटा दो बटा तीन की घात घटा दो की घात दो चार मान ज्ञात कीजिए एक आठ की घात घटा एक गुणा पांच की घात तीन बटा दो की घात घटा चार दो कोष्ठक में पांच की घात घटा एक गुणा दो की घात घटा एक गुणा छः की घात घटा एक पृष्ठ संख्या 206, पांच, m सौ मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए पांच की घात एम भाग पांच की घात घटा तीन बराबर है पांच की घात पांच छ मान ज्ञात कीजिए एक कोष्ठक प्रारंभ एक बटा तीन की घात घटा एक घटा एक बटा चार की घात घटा एक कोष्ठक अंत की घात घटा एक दो पांच बटा आठ की घात घटा सात गुणा आठ बटा पांच की घात घटा चार सात सरल कीजिए एक पच्चीस गुणा टी की घात घटा चार बटा पांच की घात घटा तीन गुणा दस गुणा टी की घात घटा आठ जहां टी शून्य के बराबर नहीं है दो तीन की घात घटा पांच, गुणा दस की घात घटा पांच, गुणा एक सौ पच्चीस बटा पांच की घात घटा सात गुणा छ की घात घटा पांच, बारह दशमलव चार छोटी संख्याओं को घातांकों का प्रयोग कर मानक रूप में व्यक्त करना निम्न तथ्यों का अवलोकन कीजिए एक पृथ्वी से सूर्य की दूरी एक चार नौ छून्य शून्य 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 मीटर है दो प्रकाश का वेग तीस करोड़ मीटर प्रति सेकंड है तीन कक्षा सात की गणित की पुस्तक की मोटाई बीस मिलीमीटर mm है चार लाल रक्त कोशिकाओं का औसत व्यास शून्य दशमलव शून्य 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 सात मिलीमीटर पांच मनुष्य के बाल की मोटाई की परास शून्य दशमलव शून्य शून्य पांच सेंटीमीटर से शून्य दशमलव शून्य एक सेंटीमीटर होती है पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी लगभग 38 करोड़ चौवालीस लाख सड़सठ हजार मीटर होती है सात पौधों की कोशिकाओं का आकार शून्य दशमलव शून्य 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 एक दो सात मीटर है आठ सूर्य की औसत त्रिज्या 6 लाख पचानवे हजार किलोमीटर है नौ अंतरिक्ष शटल में ठोस राकेट बूस्टर को प्रेरित करने के लिए शटल का द्रव्यमान पांच लाख छत्तीस हजार किलोग्राम है दस एक कागज की मोटाई शून्य दशमलव शून्य शून्य एक छ सेंटीमीटर है ग्यारह कंप्यूटर चिप के एक तार का व्यास शून्य दशमलव शून्य 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 तीन मीटर है बारह माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई आठ हजार आठ सौ अड़तालीस मीटर है यहाँ कुछ संख्याओं का अवलोकन कीजिए जो हम पढ़ सकते हैं जैसे दो सेंटीमीटर आठ हजार आठ सौ अड़तालीस मीटर छ लाख पचानवे हजार किलोमीटर यहाँ कुछ बड़ी संख्याएं भी हैं जैसे एक पाँच शून्य 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 मीटर और कुछ बहुत छोटी संख्याएं हैं जैसे शून्य 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 सात मीटर उपरोक्त तथ्यों के आधार पर बहुत बड़ी और बहुत छोटी संख्याओं की पहचान कीजिए और संगत सारणी में लिखिए यहां पर एक सारणी बनी है जिसमें दो स्तंभ हैं पहला स्तंभ है बहुत बड़ी संख्याएं इसमें संख्या एक पांच शून्य 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 मीटर है आपको बाकी संख्याएं लिखनी है दूसरा स्तंभ है बहुत छोटी संख्याएं इसमें पहली संख्या है शून्य दशमलव शून्य 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 सात मीटर आपको बाकी संख्याएं लिखनी हैं। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर बहुत बड़ी और बहुत छोटी संख्याओं की पहचान कीजिए और संगत सारणी में लिखिए पहली कक्षा में हमने सीखा कि किसी बहुत बड़ी संख्या को मानक रूप में कैसे व्यक्त कर सकते हैं उदाहरण के लिए एक पांच शून्य 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 बराबर है एक दशमलव पांच गुणा दस की घात ग्यारह अब हमें शून्य दशमलव शून्य 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 सात को मानक रूप में व्यक्त करना चाहिए शून्य दशमलव शून्य 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 सात बराबर है सात बटा दस लाख बराबर है सात बटा दस की घात बराबर है सात गुणा दस की घात घटा शून्य दशमलव शून्य 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 सात मीटर बराबर है सात गुणा दस की घात घटा छ मीटर पृष्ठ संख्या दो सौ सात इसी तरह एक कागज़ की मोटाई जो कि शून्य दशमलव शून्य शून्य एक छः सेंटीमीटर है लिखिए शून्य दशमलव शून्य शून्य एक बराबर है सोलह बटा दस हजार बराबर है एक दशमलव छः गुणा दस बराबर है दस की घात चार बराबर है एक दशमलव छ गुणा दस गुणा दस की घात घटा चार बराबर है एक दशमलव छ गुणा दस की घात घटा तीन सेंटीमीटर अतः हम कह सकते हैं कि कागज की मोटाई एक दशमलव छ गुणा दस की घात घटा तीन सेंटीमीटर है एक पांच शून्य 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 यहां पर दशमलव ग्यारह स्थान बाई तरफ खिसक गया है शून्य दशमलव शून्य 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 सात दशमलव छ स्थान दाई तरफ खिसक गया है पुनः ध्यान दीजिए शून्य दशमलव शून्य शून्य एक यहां पर दशमलव तीन स्थान दाई तरफ खिसक गया है प्रयास कीजिए एक निम्न संख्याओं को मानक रूप में लिखिए एक शून्य दशमलव शून्य 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 पाँच छ चार दो शून्य दशमलव शून्य 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 दो एक तीन दो करोड़ सोलह लाख चार एक करोड़ बावन लाख चालीस हजार दो दिए गए तथ्यों को मानक रूप में लिखिए बारह दशमलव चार दशमलव एक बहुत बड़ी संख्याओं और बहुत छोटी संख्याओं की तुलना सूर्य का व्यास एक दशमलव चार गुणा दस की घात नौ मीटर और पृथ्वी का व्यास एक दशमलव दो सात पाँच छुणा दस की घात सात मीटर है हम इनके व्यासों की तुलना करना चाहते हैं सूर्य का व्यास बराबर है एक दशमलव चार गुणा दस की घात नौ मीटर पृथ्वी का व्यास बराबर है एक दशमलव दो सात पाँच गुणा दस की घात सात मीटर अतः एक दशमलव चार गुणा दस की घात नौ बटा एक दशमलव दो सात पाँच छः गुणा दस की घात सात बराबर है एक दशमलव चार गुणा दस की घात नौ घटा सात बटा एक दशमलव दो सात पाँच छः बराबर है एक दशमलव चार गुणा सौ बटा एक दशमलव दो सात पाँच छ जो कि लगभग सौ गुना है अतः सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग सौ गुना है लाल रक्त कोशिकाएं जो कि शून्य दशमलव शून्य 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 सात मीटर माप की हैं और पौधों की कोशिकाएं जो कि शून्य दशमलव शून्य 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 एक दो सात पाँच मीटर माप की हैं इनके मापों की तुलना कीजिए लाल रक्त कोशिकाओं का आकार बराबर है शून्य दशमलव शून्य 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 सात मीटर बराबर है सात गुणा दस की घात घटा छः मीटर पौधों की कोशिकाओं का आकार बराबर है शून्य दशमलव शून्य 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 एक दो सात पाँच मीटर बराबर है एक दशमलव दो सात पाँच गुणा दस की घात घटा पाँच मीटर अतः सात गुणा दस की घात घटा छः बटा एक दशमलव दो सात पाँच गुणा दस की घात घटा पाँच बराबर है सात गुणा दस की घात घटा छः घटा कोष्ठक में घटा पाँच बटा एक दशमलव दो सात पाँच बराबर है सात गुणा दस की घात घटा एक बटा एक दशमलव दो सात पाँच बराबर है शून्य दशमलव सात बटा एक दशमलव दो सात पाँच बराबर है शून्य दशमलव सात बटा एक दशमलव दो सात पाँच बराबर है शून्य दशमलव सात बटा एक दशमलव तीन बराबर है एक बटा दो लगभग अतः लाल रक्त कोशिकाएं आकार में पौधों की कोशिकाओं की लगभग आधी हैं पृथ्वी का द्रव्यमान 5.97 दशमलव नौ सात गुणा दस की घात चौबीस किलोग्राम और चंद्रमा का द्रव्यमान सात दशमलव तीन गुणा दस की घात बाईस किलोग्राम है दोनों का कुल द्रव्यमान क्या होगा कुल द्रव्यमान बराबर है 5.97 दशमलव नौ सात गुणा दस की घात चौबीस किलोग्राम जमा सात दशमलव तीन पाँच गुणा दस की घात बाईस किलोग्राम बराबर है पाँच दशमलव नौ सात गुणा सौ गुणा दस की घात बाईस जमा सात दशमलव तीन पाँच गुणा दस की घात बाईस बराबर है पाँच सौ सत्तानवे गुणा दस की घात बाईस जमा सात दशमलव तीन पाँच गुणा दस की घात बाईस बराबर है कोष्ठक में पाँच सौ सत्तानवे जमा सात दशमलव तीन पाँच गुणा दस की घात बाईस बराबर है छः सौ चार दशमलव तीन पाँच गुणा दस की घात बाईस किलोग्राम सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी एक दशमलव चार नौ छः छुणा दस की घात ग्यारह मीटर और पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी तीन दशमलव आठ चार गुणा दस की घात आठ मीटर है सूर्य ग्रहण के दौरान चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है इस समय चंद्रमा और सूर्य के बीच की दूरी कितनी होती है सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी बराबर है एक दशमलव चार नौ गुणा दस की घात ग्यारह मीटर पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी बराबर है तीन दशमलव आठ चार गुणा दस की घात आठ मीटर सूर्य और चंद्रमा के बीच की दूरी बराबर है एक दशमलव चार नौ गुणा दस की घात ग्यारह घटा तीन दशमलव आठ चार गुणा दस की घात आठ जब हम मानक रूप में लिखी संख्याओं को जोड़ते हैं तब हम इन्हें दस की समान घात में बदलते हैं पृष्ठ संख्या दो सौ आठ बराबर है एक दशमलव चार नौ छ गुणा एक हजार गुणा दस की घात आठ घटा, घटा तीन दशमलव आठ चार गुणा दस की घात आठ बराबर है कोष्ठक में एक हजार चार सौ छियानवे घटा तीन दशमलव आठ चार गुणा दस की घात आठ मीटर बराबर है एक हजार चार सौ बानवे दशमलव एक छः गुणा दस की घात आठ मीटर उदाहरण आठ निम्न संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त कीजिए एक शून्य दशमलव शून्य 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 तीन पांच दो चालीस लाख पचास हजार हल एक शून्य दशमलव शून्य 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 तीन पांच बराबर है तीन दशमलव पांच गुणा दस की घात घातखा पांच दो चालीस लाख पचास हजार बराबर है चार दशमलव शून्य पांच गुणा दस की घात उदाहरण नौ निम्न संख्याओं को सामान्य रूप में व्यक्त कीजिए एक की तीन दशमलव पांच दो गुणा दस की घात पांच दो सात दशमलव पांच चार गुणा दस की घात घटा चार तीन तीन गुणा दस की घात घटा पांच हल तीन दशमलव पाँच दो गुणा दस की घात पाँच बराबर है तीन दशमलव पाँच दो गुणा एक लाख बराबर है तीन लाख बावन हजार दो सात दशमलव पाँच चार गुणा दस की घात घटा चार बराबर है सात दशमलव पाँच चार बटा दस की घात चार बराबर है सात दशमलव पाँच चार बटा दस हजार बराबर है शून्य दशमलव शून्य 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 सात पांच चार तीन तीन गुणा दस की घात घटा पांच बराबर है तीन बटा दस की घात पांच बराबर है तीन बटा एक लाख बराबर है शून्य दशमलव शून्य 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 तीन एक बार पुनः हमें मानक रूप में दी गई संख्याओं को समान घातांक वाली संख्याओं में बदलना है प्रश्नावली बारह दशमलव दो एक निम्न संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त कीजिए एक शून्य दशमलव शून्य 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 आठ पांच दो शून्य दशमलव शून्य 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 नौ चार दो तीन छ शून्य दो शून्य 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 चार शून्य दशमलव शून्य 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 आठ तीन सात पाँच तीन एक आठ छ शून्य 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 दो निम्न संख्याओं को सामान्य रूप में व्यक्त कीजिए एक तीन दशमलव शून्य दो गुणा दस की घात घटा छ दो चार दशमलव पाँच गुणा दस की घात चार तीन तीन गुणा दस की घात घटा आठ चार एक दशमलव शून्य 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 एक गुणा दस की घात नौ पाँच पाँच दशमलव आठ गुणा दस की घात बारह छ तीन दशमलव छ एक चार नौ दो गुणा दस की घात छ तीन निम्नलिखित कथनों में जो संख्या प्रकट हो रही है उन्हें मानक रूप में व्यक्त कीजिए एक एक माइक्रॉन एक बटा दस लाख मीटर के बराबर होता है दो एक इलेक्ट्रॉन का आवेश शून्य दशमलव शून्य 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 एक छंब होता है तीन जीवाणु की माप शून्य दशमलव शून्य 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 पांच मीटर है चार पौधों की कोशिकाओं की माप शून्य दशमलव शून्य 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 एक दो सात पांच मीटर है पांच मोटे कागज की मोटाई शून्य दशमलव शून्य सात मिलीमीटर है चार एक ढेर में पांच किताबें हैं जिनमें प्रत्येक की मोटाई बीस मिलीमीटर तथा पांच कागज की शीटें हैं जिनमें प्रत्येक की मोटाई शून्य दशमलव शून्य एक छ मिलीमीटर है इस ढेर की कुल मोटाई ज्ञात कीजिए हमने क्या चर्चा की एक ऋणात्मक घातांकों वाली संख्याएं निम्न नियमों का पालन करती हैं ए ए की घात एम गुणा ए की घात एन बराबर है ए की घात एम जमा एन बी a की घात m भाग a की घात n बराबर है a की घात m घटा n सी a की घात m की घात n बराबर है a की घात एम एन डी ए की घात m गुणा बी की घात m बराबर है ए बी की घात m ई ए की घात शून्य बराबर है एक एफ ए की घात एम बटा बी की घात एम बराबर है ए बटा बी की घात एम दो ऋणात्मक घातांकों का उपयोग करते हुए बहुत छोटी संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त कर सकते हैं यह पाठ यहीं समाप्त होता है अभी आप सुन रहे थे कक्षा आठ की गणित की ध्वनि पुस्तक का पाठ वाचन स्वर आकाश आहूजा तकनीकी समन्वयक बटलैंग लिंगडो तकनीकी सहायक विकास सांगवान निर्माण सहयोग रुचि शर्मा निर्देशन व निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुति सी ई टी एनसीआरटी नई दिल्ली भारत